कल मोक्षदायी एकादशी है, आज से लेकर के आहुतियाँ ये पूर्वजों के ही निमित्त डालिए, अपने नाम के साथ माँ बाबू जी का, दादा दादी का, किसी न किसी का नाम जरूर लिखाइए। आपके पवित्र नाम, ये कल मैं इस पवित्र व्यासपीठ से मोक्षदायी एकादशी को बोलता हूँ। आप कितने बड़भागी होंगे, सौभाग्यशाली होंगे, इतनी अद्भुत जगह पर जहाँ सुंदर देव मंदिर बन रहा है, सुंदर सी यज्ञशाला बन रही है, ऐसी जगह पर वृद्ध माई बाप के लिए कृष्णाश्रय आवास और उसके आप साक्षी बन रहे हैं। आपको खुशी मिलेगी कि इसमें कुछ अंश हमारा भी लगा है, तो इससे आप चूकना मत। मैं बिल्कुल हृदय से बोल रहा हूँ, मैं तो होठ ही हिला रहा हूँ, ये आवाज उसकी है जो आपसे कुछ चाहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको चाहिए, मैं होठ हिला रहा हूँ कैसेट की तरह, आवाज किसी और की, तो उसकी आवाज को स्वीकार करना और अपने हिसाब से। मैंने तो आधा कुंटल और एक कुंटल कहा है आपको, इससे ज्यादा भी और इससे कम भी, कोई इसमें बॉन्ड नहीं है, इससे कम भी कर सकते हैं और इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। 19,66,000 रुपए की आने वाली गाड़ी, मुझे भरोसा है ये आपके द्वारा ही पूरी हो जाएगी। सत्य यही है कि 1966 की है, हाँ बिल वाउचर है 19,66,000, तो हम 1966 ही बोलेंगे। जब सत्य बोल के ही सब काम चलता है तो हम झूठ क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? ये गाड़ी है, ये आई है, ये आई है उड़ीसा से, वहां सीधी डायरेक्ट फैक्ट्री से आई, बढ़िया ब्रांडेड माल है। क्योंकि ये पूरी जो मंजिलें बन रही हैं, ये 7 से 8 मंजिल बन रही है, 7 मंजिल 8 मंजिल, बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। 1,000 कमरा मुझे तो लगता है इस वृंदावन में किसी आश्रम में नहीं होगा, वृंदावन में क्या एक जगह पर, तो बहुत बहुत दूर तक नहीं होगा। 1,000 कमरा बहुत होता है, कम नहीं होता। फिर उसका सबका रख रखाव, जहाँ 1,000 खाली कमरे ही कमरा होगा तो और भी बहुत चीजें वहां होंगी, तो बहुत बड़ा काम है ये। ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, टाइम बताएगा, हम और आप रहें या ना रहें, लेकिन ये सब किए गए कार्य हमेशा हमेशा के लिए जिंदे रहेंगे। लोग यहाँ रहेंगे, ये बिहारी जी ही चाह रहे हैं, राधा रानी चाह रही है, उसी ने ही कान में फूंक मारी है प्रेरणा, उसी ने दी है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे भक्त जन आकर के यहाँ रहेंगे तो उनके लिए आवास की व्यवस्था भी तो मेरी ही जिम्मेवारी बनती है। तो भगवान ने जिम्मेवारी ली है, हमें और आपको इशारा किया है, इसलिए उस भगवान के कार्य में हम लगे हैं। ये होटल तो बनाया नहीं जा रहा कि इतना पैसा दे दो तब तुम यहाँ रह पाओगे, ये तो मठ बन रहा है, कृष्णाश्रय बन रहा है, भगवान का धाम बन रहा है, प्रभु का आश्रय बन रहा है। इसी वृंदावन में लोग आकर के चले जाते हैं, उनको रहने को जगह नहीं मिलती, नहीं मिलती, बेचारे रहने के हिसाब से आते हैं, जगह मिलती नहीं। लेकिन यहाँ पहचानने वाला यह स्थान होगा, तुलसी तपोवन मठ कृष्णाश्रय आश्रम, जिनको जानता भी नहीं होगा वो बिहारी जी के दरबार में एक श्रद्धा के साथ आए होंगे, उनको भी यहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी। ये सब बातें मस्तिष्क में रख करके इस स्थान का निर्माण होने के लिए इसमें आप सभी अवश्य में सहयोगी बनिएगा, चूके नहीं। आपके पवित्र नाम, कल बोलते बोलते मैं थक जाऊं लेकिन आपकी लिस्ट पूरी न हो, इतनी जोर से बात मैंने पहली बार बोली, क्योंकि कृष्णाश्रय का खजाना खाली है और कल है एकादशी मोक्षदायी, भर जाएगा तो काम रुकेगा नहीं। बिल्कुल मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ, हमारे बंदरों की सेवा का खाली था और इस समय देखो आ गई सेवा पटरी पर। आपने हमारी बात पर विश्वास किया है, आज हम उसको करने में लगे हैं उसको। ये प्रकृति कितना आपको आशीर्वाद देती होगी, हम तो माध्यम है, ये बंदर लिपट रहे हैं गले से पीठ से, ये सब श्रेय और ये सब प्रकृति का आशीर्वाद तो आपके लिए जा रहा है। दास तो एक बस माध्यम है, बस सिर्फ माध्यम।